खान किया था एम्पायर में, वो द पॉजिटिव रोल. तो मिक्स बैग ऑफ फिल्म्स आई हैव डन एंड मोर नेगेटिव देन पॉजिटिव. बट इसमें सर एक पेट्रियार्चिकल हेड है, वो एक फैमिली का, दलजीत. और कहानी में वो आता कहाँ है, एक ऐसा मोड़ है सर, एक हैपनिंग होगी जहाँ पे जो इस कहानी का मुख्य मतलब जो किरदार कर रहे हैं वो कैरेक्टर को ये मिलेंगे एक मोड़ पे जहाँ उस कैरेक्टर को इनकी ज़रूरत है और वहाँ ये उनको सपोर्ट करते हैं एज लाइक अ मेंटोर. और वहाँ से कुछ इनकी और उस कैरेक्टर की जर्नी है, हाउ ही टेक्स ए पर्सन अंडर द विंग, और फिर एक मुकाम पे आके वो उनके जो रास्ते हैं अलग अलग हो जाएंगे. वो फिल्म देखने में आपको पता लगेगा. सर नहीं, सरदार का रोल है, कई बार किया हूँ और मैं पंजाबी स्पीकिंग हाउस होल्ड से हूँ, पंजाबी हूँ, तो खाली दाढ़ी जो बढ़ाई है वो वही है सर जो भी किया है, बाकी इट वॉज स्पॉन्टेनियस वट एवर. जी ये थोड़ा मेरी अपनी एक स्कूलिंग है कि लगभग एक रोल है, खाली उसमें देखता हूँ कि भाई परफॉर्मेंस का क्या स्कोप है विद इन द स्टोरी, उसका क्या स्कोप है, उस कैरेक्टर का क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है वो स्टोरी को. तो वहाँ मुझे लगा कि जो ये कैरेक्टर है बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करता है इस कहानी को, क्योंकि एक मेंटोरशिप है, एक जो फाइनली एक कहानी का आप कह सकते हैं कि एक प्रोटैगनिस्ट, अगर इस कहानी का कोई कहें तो जो वो प्रोटैगनिस्ट है और उसका एक मित्र है जो कि एक छुटपन में कहीं जाके आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको पता लगेगा जहाँ उन्हें दिशा चाहिए तो वो किस किस्म को, जो उसको एक तजर्बा है दिशा का है, जो उसको लगता है सही है वो आगे वो शेयर करता है. तो पर्सनली मेरे लिए सर यही इम्पोर्टेंट रहता है कि व्हाट आर यू कंट्रीब्यूटिंग दैट कैरेक्टर इन टर्म्स ऑफ जो स्क्रीन प्ले है उसके दायरे में, क्या वो कंट्रीब्यूट कर रहा है कहानी को, और फिर उसको कैसे दिलचस्प बनाया जाए, कितना इंटरेस्टिंगली आप उसे पेश कर सकें. दैट्स व्हाट आई लुक एट, नॉट अ नेगेटिव वो दिस इज नेगेटिव कैरेक्टर दिस पॉजिटिव, नॉट नॉट लाइक दैट. यस अनुभव तो बहुत अच्छा था, बट बस यही कहना चाहूँगा, दिक्कतें आती हैं बट आपको फेस करनी होती है और एंड प्रोडक्ट बनाना होता है. हम लोगों ने बहुत मेहनत से ये बनाई है और यही बोलना चाहूँगा कि मूवी देखिए आप, बहुत इट्स इट्स लाइक अ लेबर ऑफ लव फॉर अस, दैट्स ऑल. मेरा किरदार का नाम है मेघना, और इस फिल्म में सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये है कि मैं फर्स्ट टाइम फ्रॉम द एज ऑफ 25 टू 50 और मे बी 55, दैट इज़ अ जर्नी ऑफ मेघना. लाइक ऑल द एक्टर्स, जो भी कैरेक्टर्स हैं इसमें, हमारी पूरी एक एज एज की जर्नी है. सो विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल, जो मैंने पहले नहीं किया है. और मेघना एक बहुत ही एक स्वीट लड़की है, और शादी होती है, बहुत सारे रिलेशन उसने उसके एक फादर के साथ एक बहुत प्यारा सा रिलेशन है, फिर उसकी शादी होती है हस्बैंड के साथ, फैमिली को वो किस तरीके से बनाने में या किस तरीके से उसका क्या इम्पोर्टेंस है. कभी धूप होता है, कभी छाँव होता है, कभी अच्छे मोमेंट होते हैं, कभी बुरे मोमेंट होते हैं. उसको ध्यान में रखते हुए, उनके इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए ये टाइटल रखा गया है, धूप छाँव. ये हरियाणा में लगभग गुड़गांव में किया है हमने शूट, फरीदाबाद में किया हुआ है, कुछ दिल्ली के कुछ पार्ट में किया हुआ है, मतलब बेसिकली पूरी फिल्म हरियाणा में की गई है ये. नहीं नहीं हरियाणा के फिल्म सिटी में नहीं किया है, क्योंकि जो लोकेशंस वगैरह थे फिल्म की वो जहाँ पर सूटेबल लगा वहाँ पर किया हमने. मेरा सवाल एम से है, देख पा रहे जी? हाँ जी बिल्कुल.
ये फिल्म स्क्रिप्ट में आपको क्या लगा कि ये मुझे करनी ही चाहिए? क्या विशेष आपको आकर्षित किया? कैसे आप डायरेक्टर आप तक पहुंचे? आपका चैलेंज की प्रतिक्रिया क्या? गुड इवनिंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये फिल्म जब आप देखेंगे तो एहसास दिलाएगा कि इस तरह की फिल्में आजकल बहुत कम बनती हैं जहाँ पे बात रिलेशनशिप की हो, जो कि अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। तो ये पूरी तरह से फैमिली वैल्यूज़, रिलेशनशिप, उसके अराउंड बात करती है फिल्म। आजकल क्राइम थ्रिलर जॉनरा है, आमतौर पर उस तरह के सब्जेक्ट्स बहुत देखने को मिलते हैं, और इस तरह का सब्जेक्ट कहीं छूट सा गया है। तो ये बेसिकली एसेंशियली फैमिली वैल्यूज, रिलेशनशिप, उसमें जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसके बारे में, इसीलिए टाइटल भी धूप छाँव, एक परिवार के, एक इंसान की लाइफ में जो उतार चढ़ाव आते हैं। तो ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत एक सूदिंग सा सब्जेक्ट है, जो वापस जो मैं ये नहीं कहूँगा फिलोसॉफिकल या प्रीची होने की ज़रूरत नहीं, बट फैमिली वैल्यूज़ कहीं ना कहीं हम खो चुके हैं परिस्थितियों की वजह से, हर कोई इधर उधर है। तो एक वापस उसकी तरफ एक एक याद, प्यारा सा एक प्यारी सी याद दिलाएगी ये फिल्म के बारे में। मुझे इसका ये सब्जेक्ट बहुत अपीलिंग लगा। आपने क्या कैरेक्टर के बारे में पूछा था मुझसे? आपके कैरेक्टर में थोड़ा सा मेरा कैरेक्टर बहुत सिंपल प्यारा सा लड़का है। बहुत मैं इसमें लेयर्स या डायनामिक्स नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि इस कैरेक्टर का जब आप पूरी फिल्म देखेंगे तो सेंस ऑफ लॉस जो एक पूरी कहानी में आता है, जो कॉन्फ्लिक्ट आता है जिसकी वजह से चीज़ें ऊपर से नीचे हो जाती हैं, एकदम उथल पुथल हो जाती हैं, उसके लिए इस किरदार का बहुत प्यारा, बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा वॉर्म्थ इससे आना ज़रूरी था। तो मेरे लिए वही चैलेंजिंग था कि ये इस कैरेक्टर से बहुत पॉजिटिविटी आए, हैप्पी गो लकी, वेरी वॉर्म्थ, वेरी वॉर्म, वेरी प्लेजेंट, इसका अपील होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जो इसके साथ होता है वो ऑडियंस को और ज़्यादा उससे जोड़ेगी, ये वजह थी। ये मेरा गोल था, अचीव करना चाहता इस रोल के माध्यम से इस फिल्म। थैंक यू डायरेक्टर फॉर द थैंक यू शुक्रिया। ये तो आप लोग बताएंगे, होपफुली हम सब का काम आपको पसंद आए। फॉर द डायरेक्टर हेमंत जी, आपसे सवाल है, इस फिल्म में समाज के लिए क्या संदेश है? समाज के लिए संदेश ये है कि आप अपने परिवार से जो एक जुड़ाव होता है, वो अगर ये फिल्म देखकर आपको कहीं से भी एक जुड़ाव जो आपका थोड़ा कम हो चुका है, अगर ज़्यादा हो जाता है, या जुड़ाव का फील भी आ जाता है कि फैमिली से जुड़कर रहना चाहिए, और असली जो आपके ज़िंदगी का मकसद होता है, एक बॉन्डिंग होती है पूरी फैमिली की, आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर ले रहे हो, कुछ भी। बॉलीवुड का हमेशा से इतिहास अच्छा रहा है और आगे और भी अच्छा ही होगा। ठीक है, ये टाइम टाइम की बात होती है कि आज आपको लग रहा है कि साउथ और ओटीटी और ये सारी चीज़ें आगे बढ़ रही है, बट जो सच है, बॉलीवुड हमेशा से अच्छा रहा है, अभी भी अच्छा है और आगे भी अच्छा रहेगा। एक फेज है, ये फेज बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। या हेमंत जी, अभी नॉर्मली इट इज सीन, अभी आजकल अगर हम देखते हैं तो अगर जो बड़ी बजट की फिल्में हैं इनके लिए स्क्रीन का तो प्रॉब्लम नहीं है, बट स्क्रीन मिलना मीडियम बजट की फिल्मों के लिए, या अपने धूप छांव को भी ले लें, तो बहुत प्रॉब्लम है। अभी क्या स्टेटस है अपना, ऑल इंडिया ऑल ओवर कितने स्क्रीन्स पे जा रहे हैं? देखिए, प्रॉब्लम्स मानने वाली बात होती है, अगर आप एक ज़िद्द की चीज़ होती है, अगर आपके अंदर ज़िद्द है कि मुझे करना है और इन चीज़ों को अचीव करना है, तो कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट सिस्टम तैयार हो जाएगा हर तरफ। जहाँ तक आपको ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन मिलना बहुत टफ है, लेकिन क्या ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल टफ है कि आपको मिल ही नहीं सकता है, बट आपका एक मोटो क्लियर होना चाहिए कि मुझे जो है स्क्रीन पर ही काम करना है, और हमारा जो भी कोशिश, हम जो भी फिल्म बना रहे हैं स्क्रीन पर लाना है, और इससे ये पॉजिटिव थाट लेकर जब आप चलते हो तो वो चीज़ें आगे एक्टिवेट होती है। सर, नेक्स्ट सवाल हमारा राहुल जी से, आप एक सीनियर आर्टिस्ट हैं, आपने पहले भी बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में की हुई, अभी तब में और अब में आपको डिफरेंसेस कुछ ऐसा लग रहा है बिकॉज ओटीटी के आने के बाद या साउथ का इन्फ्लुएंस आने के बाद लोग ऐसा बस क्रिएट हुआ है कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ गया है बॉलीवुड पे, आपका उसमें पर्सनल ओपिनियन? सर, मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ बोलता हूँ, पता नहीं लोग गौर नहीं कर रहे इस बात को, लोग कहते हैं कि साउथ का भी, साउथ सर हमेशा से ही था, मतलब कितनी रीमेक्स हुई हैं, अनिल कपूर जी ने बेटा जो की थी उस साउथ रीमेक,
मतलब मैं किसी और दौर की बात करूँ तो मैं मूवीज में भी नहीं था। तो आई थिंक एक तो हमें ये समझना चाहिए कि साउथ ऐसा नहीं है कि आज ही बन गया है या आज ही, वो हमेशा से अच्छा कंटेंट बनाता था और अब भी बना रहा है, और हिंदी फिल्मों में भी तब भी अच्छा कंटेंट होता था और अब भी अच्छा कंटेंट होता है। यहाँ तक कि आप बोल रहे हैं कि बदलाव, डेफिनेटली एक बदलाव है। एक पहले यू वुड से अ हीरो ड्रिवन फिल्म वुड वर्क, अभी थोड़ा बिकॉज एक्सपोजर ज़्यादा है। अभी आप देखिए वर्ल्ड में भी तो एक चेंज आया है। अभी पहले मतलब मुझे याद है जब मैंने शुरुआत की थी तो नेगेटिव पे काम करते थे। 2022 को मेरी पहली फिल्म आई थी और 135 फिल्मों का उसके बाद 36वीं फिल्म है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। तो उस दौरान मैं देख रहा हूँ कि अभी पहले हम नेगेटिव में करते थे काम, रिहर्सल ज़्यादा होते थे, वो जब कर साउंड भी आता था कैमरा का, एक नर्वस एनर्जी लेके आता था वो साउंड एक्टर के अंदर, एटलीस्ट मेरे अंदर। और अभी वो साउंड आता नहीं है, डिजिटल हो गया सारा कुछ, ईजियर हो गया है। टेक्स आप मांग सकते हैं, 5-6-8 भी मांग सकते हैं अगर आप कहीं आपको लगे कि कुछ और बेटर करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। अभी उतना गिल्ट नहीं होता उसको, पहले एक्सपोज करके उसका पॉजिटिव बनता था फिर उसको भेजा जाता था। तो मोर लबोरियस कैमरा, बॉडी छोटी हो गई हैं, एक्सपोजर, द वर्ल्ड इज बिकम स्मॉलर। अभी आप देखिए गूगल आया, डिजिटल बहुत प्रोमिनेंस ले गया और OTT की वजह से डेफिनेटली आपको ये भी हो गया कि भाई क्योंकि अलग अलग चैनल्स हैं, यू गॉट टू वॉच यू नो कि बाहर अक्रॉस क्या हो रहा है। पहले भी देखने को मिलता था मगर अगर पहले अगर कोई इस कार्य से जुड़ा हुआ है वही इंसान देख रहा है, अभी क्या हो रहा है कि आम लोग भी देख पा रहे हैं, स्पैनिश फिल्म देख पा रहे हैं, चाइनीज फिल्में देख पा रहे हैं, यूरोपियन सिनेमा, सब चीज़ों को छोटी 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 चीज़ में सारा इकट्ठा होकर एक बड़ी चीज़ बन जाती है। तो फिर नहीं होता फिर वो जहाँ जाना चाहिए उसको नहीं जाता। राहुल जी, पवन भारद्वाज, या सामने सर, ये राहुल जी पोस्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो पोस्टर का जो लुक है, पोस्टर बहुत सारी कहानी बयां करता है, क्या कहना चाहेंगे उसमें? आप बैठे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पता नहीं सर, जैसे मुझे कहा गया मैं करता क्या सर, ये तो पोस्टर डिजाइन करने वाले या डायरेक्टर्स, ये हमारा तो काम है कि जैसे उसने कहा कि भाई उठ जा, उठ गए सर, बैठ जाओ तो बैठ गए सर। तो मुझे बड़ा अटपटा लगता है सर स्क्रीन पे जब मैं सरदारों को देखता हूँ। एक कैरिकेचर भी मैं ना हम उनसे प्रेजेंट करते हैं, ओ बल्ले बल्ले हो हो, मतलब ऐसा लगता है कि यार खाली चुटकुलाई सुना सकता है क्या ये सरदार? मतलब जैसे एक कैरिकेचर सीख होता है ना हमारी फिल्मों का, एक या डॉक्टर होता है एक स्टेटोस्कोप लेके आता है, मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं और ये दे दीजिए, परसों मैं दोबारा आ जाऊँगा, एक एक कैरिकेचर टाइप एक लिखा जाता था सर हमारे यहाँ पे ना। अभी इसमें क्या किया है कि एटलीस्ट वो जो हिंदी में, और हमारे कई बार झगड़े भी होते थे, ये चाहते थे मैं हिंदी में ज़्यादा बोलूँ, मुझे लगता था यार एक इतनी पूरी पटियाला स्टाइल उसने पगड़ी पहनी हुई है, हिंदी में बोलता हुआ मुझे नहीं अच्छा लग रहा सरदार, यू मैं दिल्ली से हूँ, पंजाबी हूँ, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। जब ऐसा नहीं कि हिंदी बुरी है, बहुत अच्छी है, मगर अब आमतौर पे नेचुरल लाइफ में ऑब्जर्व करेंगे तो सरदार पंजाबी बोलता है सर, और कोई इतनी कड़ी पंजाबी नहीं है उसकी कि जो समझ में नहीं आ रही। मैंने अभी तो फिल्मों के गाने भी पंजाबी में हैं, तो बहुत सारी लाइनें मैंने चेंज करी हैं उसके लिए, मतलब पंजाबी बोलने की कोशिश की है। कहीं कहीं सर बीच में टोक लगा देते थे तो हुक्म इनका असर हो। दिल्ली में इतनी पंजाबी बोली जाती है राहुल जी, और ये चीज़ें बिल्कुल कॉमन है, कितना कंफर्टेबल थे आप इसमें? मेरे माँ बाप दोनों पंजाबी हैं, हम लोग पंजाबी हैं, मतलब मैं पंजाबी हूँ सर, तो मेरे लिए बहुत सरल है सर पंजाबी बोलना। डायरेक्टर जी एक सवाल आपसे है, इस फिल्म की USP क्या है? फिल्म की USP, जब भी आप सुनो तो आपको गुनगुनाने का मन करे, और हमारी कोशिश भी ऐसी हुई है। अभी आप गाना सुनोगे भी फिल्म में, और कोशिश कितनी कामयाब हो रही है वो आप डिसाइड करोगे, बट हमने यही कोशिश रखा है। राहुल जी के साथ कैसे केमिस्ट्री है आपकी? बहुत अच्छी है सर के साथ, बहुत झगड़े हुए हैं हमारे झगड़े हुए हैं, बट वो क्रिएटिवली झगड़े हुए हैं, बट झगड़े सिर्फ के काम को कैसे अच्छा किया जाए इसके लिए हुआ है, कभी भी ऐसा बाकी कुछ नहीं है सर। काफ़ी डिटेलिंग काम करते हैं, और हमने जब भी डिस्कस किया कुछ भी, तो एक डे वन से जब मैं इनको मिला और इनको स्क्रिप्ट बताई और इनका तो बताया, तो ये मुझे बहुत आश्चर्य लगी, इन्होंने पहले पूरी फिल्म पढ़ा, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ा,
और जब मैं दोबारा मिलने गया तो इन्होंने पूरा एग्जैक्ट वो सारी चीज़ें बताई जो पूरे स्क्रिप्ट में थी और इनको याद था सब कुछ काफ़ी। उसी डैट टाइम मैंने डिसाइड किया कि इतनी डिटेलिंग, मतलब अगर एक इंसान के पास एक स्क्रिप्ट जाकर आवेगा तो बस काम करके अच्छा ही होगा, और ऐसा ही हुआ, अच्छा ही हुआ। काफ़ी डिटेल्ड वर्क किया और वो डिटेलिंग वर्क आपको दिखेगा अभी, भले काम छोटा बड़ा कुछ नहीं होता लेकिन काम कितना डिटेल वे में किया गया उसकी वैल्यू होती है। तो सर के साथ काम करके कुछ ये सीखने को भी मिला, इनका पूरा जो एक अपना तजुर्बा है और इन्होंने काम करने का जो इनका एक वो है कि डिटेलिंग में करना है काम, तो अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा ही रहा हमारा। राहुल जी, अगर फिटनेस की बात करें, एक ही लुक में हम देखते आ रहे हैं आपको, मतलब जैसे अनिल कपूर के बारे में कहते हैं कि भाई क्या क्या फिटनेस के बारे में आपके, शुरू से अभी तक बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देते हैं, पहली फिल्म से लेकर अभी तक अगर बात करें तो। राहुल जी, क्या है फिटनेस मंत्र आपका? सर आपने नोट नहीं किया, बहुत सफेदी आ चुकी है। नहीं सर, सफेदी तो आजकल लोग जान बूझ कर भी लगा लेते हैं। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ दिल से सफेदी मैंने नहीं लगाई कभी लाइफ में, मगर ये है कि सर हमने जरूर काले किए। आपने काले किए? जी हमने आपके काले किए। आप कलर नहीं लगाते फिल्म में, आप कलर नहीं लगाते मानते हैं हम, लेकिन फिटनेस की जो बात लगाए ना वो फ्लैश मैंने बड़ा जोर के मेरे पड़ी सर इनसे, तो वो काला वो भी लगाया सर, काला भी किया है दाढ़ी को इनके लिए। बट ये है कि सर मुझे ऐसा सिंसियरली लगता है कि यू नो इट्स रे मेरेकल, यू नो जो एक टेंजिबल, आप किसी बच्चे को अगर कोई यहाँ पे पेरेंट्स हैं, जैसे मेरा एक बेटा है, तो उस वक्त लगता है कि जब वो आने वाले हैं ना संसार में प्रवेश हो रहे हैं, तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन द फीलिंग, यू नो ऐसा लगता है कि यार सब ठीक ही हो जाए, और पता नहीं एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी माइंड में चल रही होती है कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, यू नो जबकि सब कुछ पता है ठीक है, डॉक्टर्स आर देयर, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी टेकन केयर ऑफ, गॉड विलिंगली एवरीथिंग। तो मुझे लगता है कि यू हैव टू टेक योर एक्सपीरियंस टू दैट प्रेशियस लाइफ, यू नो विच वी वर गिवन। अभी हमने लॉकडाउन वगैरह में देखा सर, अभी एक वायरस आया, कौन ये कह सकता है सिंसियरली कि यार मैं मरना ही चाहता हूँ, कोई भी नहीं एक्चुअली। बट ऐसा क्यों होता है कि हम लोग तब रिएक्ट करते हैं, अरे यार डायबिटीज़ हो गई है यार, अरे और डॉक्टर ने कहा यार हार्ट में ऐसा स्टेंट लगाना पड़ेगा। सो आई थिंक बेटर टू अवेकन एट अ सर्टन स्टेज इन योर लाइफ, कि एक बार एकदम झटके से कोई जागे, छोटा छोटा एक मतलब एक पौधे की तरह है, थोड़ा थोड़ा पानी आप रोज़ देते जाएंगे, एक बड़ा अच्छा दरख्त बन जाएगा आपका जो मजबूत होगा। और आई थिंक एक बहुत बड़ी पूंजी है मुझे, एक जेन्युइनली, ऐसा नहीं कि कहने के लिए, वाकई मुझे एक लगता है कि इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग, यू नो द ह्यूमन बॉडी, इतना एक रेयर आशीर्वाद है ये, कि जब हमें लगता है हमारे पांचों सेंसेस हैं, हमको ग्रांटेड लेते हैं, कभी आप किसी ब्लाइंड को मिलें या कहीं ऐसे स्कूल में जाएं, म्यूट स्कूल में, एक सोचे कि एक ऑन अ डेली बेसिस किसी की भगवान ना करे एक्सीडेंट हो, एक आध लाख कम है, एक उंगली कम है, वो एक बहुत ही मतलब इनकम्प्लीट सी फीलिंग देता होगा, यू नो मुझे ऐसा लगता है, एक डीप इनसिक्योरिटी देता है मुझे कोई, इफ़ आई एम नॉट वेल, या यू नो एंड सम ऑफ, और हर किसी का ये टेंजिबल एक्सपीरियंस रहा होगा, कभी छोटा मोटा बुखार भी हो जाता है, तो जब पूरा कंप्लीट नहीं फील करता आदमी उस दिन, तो एक आई कांट एक्सप्लेन क्या रहता है, मगर कुछ कंप्लीट नहीं होता उसमें, उस टाइम यू डोंट फील कंप्लीट। तो आई थिंक हर किसी का यार काम ही होना चाहिए कि टू टेक गुड केयर ऑफ देमसेल्फ, उतना ही। ओके।